एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की एस वेल की NCF की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक रूप से मिलती है। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है अपना लास्ट ईयर जब मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पर बनाया था, और आपको पता है मैं काफ़ी हेजिटेट कर रहा था यूट्यूब पर आने पर, और टाइम काफ़ी कम था और मुझे यूट्यूब का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। आप लोगों ने उससे रिक्वेस्ट करके चैनल बनवाया था ये, और उस समय जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वो मेरा यही टॉपिक, बिल्कुल सेम टॉपिक था, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। ठीक है, तो आज लगभग 1 साल निकल चुका है, चैनल को भी 1 साल पूरा हो गया है, और काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली है चैनल ने आप लोगों के समर्थन से और सहयोग से, और आप लोगों का जो विश्वास बना हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है, उसी विश्वास को मैं आगे ले जाते हुए नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो मैं बोलता हूँ, आप लोग मुझसे काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं, काफ़ी मुझसे पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम मेरे सब्सक्राइबर वही हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं, SOL में, NCVAB में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या 12th क्लास के अंदर मुझसे पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए लेके आया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी, लेकिन अभी बहुत जल्दी कुछ कहना एक अलग बात थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं, कोई शुरुआत करनी चाहिए किसी ना किसी को। तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था आपका, आपको बताया था खासकर सेमेस्टर वालों को कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने हैं या कैंसिल करवाने तो क्या करना है। आज मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ, होगी आज हालात थोड़े और पहले से बिगड़ चुके हैं। आपको पता है कोरोना केस काफ़ी बढ़ चुके हैं, और आज जो न्यूज़ आई थी कल के बारे में कि 1,66,000 के आसपास इंडिया में केस आए, और दिल्ली का तो आंकड़ा मैंने बताया था कि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो हो, जो तो पुराना वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो आपको बताया था कि जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा ये केस बढ़ते जाएंगे, 10-11 हज़ार पहुँच जाएंगे, और कल भी ये केस 11,400 के आसपास आए थे, आज भी लगभग केस उतने ही आने की उम्मीद है, 12,000 भी पास कर सकता है आज। तो ऐसे में एग्ज़ाम कराना कहाँ तक जायज़ है, या इतने टेंस माहौल में एग्ज़ाम होना कहाँ तक जायज़ है, खासकर जब जब SOL की और NCVAB की क्लासेस ही अभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी मई तक, तो ये डेट शीट अचानक से कहाँ से आ गई, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, अभी से क्या हो गया, ये बात कुछ समझ में मेरी भी नहीं आई। हालांकि टाइम तो डेट शीट आने का यही होता है अप्रैल का, लेकिन ये होता है जब हमारा कॉलेज चल रहा होता है रेगुलर एज यूजुअल, अप्रैल से स्टार्ट हुआ और मार्च में ख़त्म हो गया, लेकिन आपको पता है लास्ट ईयर कोरोना फैला और उसके बाद से हमारा सारा शेड्यूल ख़राब हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और जुलाई अगस्त तक हमारे शेड्यूल चल रहे हैं। तो इतनी जल्दी क्या थी दिल्ली यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम शेड्यूल लाने की, और वो भी बिना SOL और NCVAB से कंसल्ट किए कैसे डेट शीट बना दी गई। हालांकि मैं इस पर काफ़ी बात कल कर चुका हूँ पुराने वीडियो के अंदर, परसों, कल तो खैर मैं बहुत बिज़ी था, मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, कुछ नहीं बता पाया आप लोगों को। तो मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगा एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में, एग्ज़ाम फ़ीस कैसे भरनी है, कहाँ भरनी है, किसको, DU वालों को कैसे करनी है, SOL वालों को क्या करना है, NCVAB एग्ज़ाम वालों को क्या करना है। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं लेके आया हूँ आपके सामने, वो मुझे जो फीलिंग आ रही है, मैं तो खाली वही वीडियो बनाता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो समझ में मुझे आते हैं, लगता है कि ये बातें ठीक हैं, मैं वही वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई किसी के कहने पर अलग से नहीं बनाता। हाँ, स्टूडेंट्स की क्वेरी होती हैं तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, और ये क्वेरीज भी अभी भी आ रही हैं, और मुझे भी थोड़ा गट फीलिंग आ रही है कि यार नहीं, अब थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, कुछ आवाज़ उठानी चाहिए आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी आवाज़ DU तक पहुँच जाए, SOL तक पहुँच जाए, NCVAB तक पहुँच जाए, और किसी तरह से आपका एग्ज़ाम या तो कैंसिल ही हो जाए या फिर पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है एग्ज़ाम कराने का, अप्रैल मई आ गई, मई तो आ गई अगले महीने। ठीक है, तो मेरा जो पहला कहना है, पहले बात करूंगा एनुअल मोड वालों की, क्योंकि वो ज़्यादा टेंस हैं, उनको पहले बात कर लेता हूँ मैं। भाई एनुअल मोड वालों, आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तो तैयारी कर ही रहे हो, तो मई में आपके एग्ज़ाम 15 मई से स्टार्ट हो जाए और ख़त्म हो जाए जून तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आपके एग्ज़ाम तो हो ही जाने चाहिए, ये तो खैर यूनिवर्सिटी भी चाहेगी, मैं भी चाहूँगा और आप भी चाहेंगे। तो एनुअल मोड के एग्ज़ाम अगर मुझे लगता नहीं पोस्टपोन कराने हैं तो मैंने आपको बताया था पिछली बार ईमेल करके, लेकिन आपको ईमेल करके नहीं करना चाहिए एनुअल मोड वालों को, क्योंकि आपको तो 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा, फाइनल ईयर में आप चल रहे हो, तो आप लोग तो अपने एग्ज़ाम मई में करा लो। ठीक है, SOL की जो डेट शीट आई है वो एनुअल मोड वालों की आई है, और जो DU की डेट शीट आई है वो सभी के लिए आई है। ठीक है, तो एनुअल मोड वालों अपने एग्ज़ाम आप तो करा लो, चाहे DU के हो, SOL के हो, NCVAB के हो, आप तो खैर कैसे कैसे करके OBE होगा एग्ज़ाम, पता नहीं क्यों अभी भी आपको टीचर मिसगाइड करने में, कल ही मैसेज आया था भाई एग्ज़ाम OBE होंगे, मैंने आपको नोटिस दिखाया था, आप कहोगे तो नोटिस आपको दोबारा दिखा दूंगा, वहाँ लिखा हुआ है 4 घंटे और नीचे लिखा हुआ है 1 टाइम कोविड मेज़र, तो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होने हैं, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें ऑनलाइन मोड वालों, आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होंगे। मैंने 6-7 वीडियो पहले ही बता दिया था, 15 दिन पहले ही, कि आपके एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगे, और मैंने पूरी गारंटी दी थी, और आपको पता है इस चैनल पे मैं जो भी गारंटी से कहता हूँ या जो भी कहता हूँ 100% आज तक सही निकला है, चाहे वो आपके कहीं एग्ज़ाम होने ना होने की बात हो, चाहे एडमिट कार्ड आने की बात हो, या एग्ज़ाम में क्या आएगा, आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, एक भी वीडियो गलत अफवाह, गलत रूमर क्रिएट नहीं करता,
व्यूअर को ख़त्म करता है, और 100% सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इंट्यूशन से अपने दिमाग लगा के मैं आपको देता हूँ। तो आज एनल बोर्ड वालों के लिए इतना ही है कि आपके एग्ज़ाम 15 मई में हो रहे हैं, करा लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, आप करा लो। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं देखता हूँ उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको मैंने ईमेल आईडी दे रखा है, वहाँ भी आप अपना ईमेल करके कंसर्न दिखा सकते हैं एनल बोर्ड के अंदर। और अब जो बात है वो है सेमेस्टर वालों की, वो कर लेता हूँ मैं। कोई सेमेस्टर वाले, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर वाले काफ़ी शौक में हैं, और मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि भाई ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है, कोई मन की वजह थोड़ा चलती है आपकी, कि अभी आपने एग्ज़ाम कराए मार्च में, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी कॉपी नहीं बांटी गई, आपको पता है नहीं पता, अभी DU, SOL और NC वेब के अंदर तो कॉपी ही टीचरों को नहीं बटी चेक करने के लिए, अभी कॉपी असाइन ही नहीं हुई, तो कब वो चेक होंगी, कब उनका रिजल्ट आएगा, तो कैसे आप एग्ज़ाम की सोच सकते हो इतनी जल्दी, ठीक है। तो ये तो पता नहीं कैसे इन्होंने बहुत फुर्ती में नोटिस निकाल दिया एग्ज़ाम का, इतनी फास्ट क्यों चली यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था इसका, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी हो गई। तो खासकर अभी हालांकि SOL की डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन SOL भी मजबूर होता है DU और NC के साथ एग्ज़ाम कराने के लिए, वरना आप एनुअल बोर्ड की डेट देख लो, चाहे वो SOL की हो, चाहे DU की हो, चाहे NCF की हो, बिल्कुल सेम है। आप पुरानी डेट उठा के देख लो, एग्ज़ाम सबके लगभग सेम डेट पे ही होते हैं, रेयर केस में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम SOL के अलग हो जाएँ और DU के एग्ज़ाम अलग हो जाएँ, क्योंकि SOL के दो पार्ट हैं, SOL और NC वेब, दोनों SOL के ही पार्ट हैं। किसी को नहीं पता तो नोट कर ले, चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो इतनी बात तो पहले ये हो गई। तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि मई के जो महीना है इस समय कोरोना केसेस काफ़ी हाई होंगे, इतना गर्मी का मौसम है, इतना टेंशन का एनवायरनमेंट होगा, तो ऐसे में एग्ज़ाम कैसे करा रहे हो भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता, एग्ज़ाम क्यों नहीं जुलाई अगस्त में हो जाए, मौसम भी ठीक होगा, बच्चों की क्लास भी ख़त्म हो जाएंगी, और साथ के साथ बच्चे तैयार भी होंगे मेंटली। अभी बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं है, आपका रिजल्ट भी तैयार नहीं है भाई, अभी रिजल्ट भी तैयार नहीं है, कैसे आप एग्ज़ाम करा रहे हो। तो पहले रिजल्ट निकाल लो, रिजल्ट निकालने के बाद एग्ज़ाम करा लो, जुलाई अगस्त कहीं भागा नहीं जा रहा, कोई दो महीने में बहुत फ़र्क नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके DU के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, SOL के NCF के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेरी बात को सुन लें, ठीक है, मेरी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन बच्चों के हित की बात मैं हमेशा करूँगा। तो अभी एग्ज़ाम ना कराए जाएँ, ठीक है। और मुझे दिखाई भी दे रहा है कि केस बढ़ने वाले हैं, ये नया स्ट्रेन काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिए, रोज़ नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो ऐसे में इतने टेंस एनवायरनमेंट में जब बच्चा घर पे रहेगा वो डर के रहेगा, 100 बार न्यूज़ देखेगा, 100 बार घर में प्रॉब्लम होगी, कभी किसी को कोरोना भी हो सकता है, तो ऐसे में वो कैसे एग्ज़ाम देगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम प्लीज़ पोस्टपोन कर दिए जाए, कैंसिल होने के लिए मैं नहीं बोल रहा, हाँ अभी के लिए कैंसिल कर दो और आगे के लिए पोस्टपोन कर दो। और हालांकि मेरा पहला वीडियो भी ये टॉपिक पे था कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे, और मुझे अभी भी यही गट फीलिंग आ रही है भाई एग्ज़ाम ये अभी मई में होने वाले नहीं हैं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। एनुअल बोर्ड वालों से कोई शिकायत नहीं है, उनके एग्ज़ाम जल्दी हो जाने चाहिए, क्योंकि उनको तो अभी आगे एडमिशन लेना है, जॉब भी करनी है। तो सेकंड और फोर्थ सेम वाले थोड़ा उम्मीद रखें, थोड़ा भरोसा रखें, डरे नहीं, घबराए नहीं, और आपको मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ पर ईमेल कर दें कि भाई एग्ज़ाम अभी मत कराओ, अभी तो हमने पढ़ाई ही नहीं की है। इवन DU के रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो उनका भी रिजल्ट नहीं आया, अभी तो क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, मतलब जो मर्जी जिसका मन में आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को पूरा टाइम दिया जाना चाहिए, बच्चे पढ़े, मेंटली प्रिपेयर तो कम से कम हो, अपने अप्रैल में डेट शीट दे दी, मई में एग्ज़ाम बोल दिए, मार्च में एग्ज़ाम खत्म हुए 25 मार्च को, आपके रिजल्ट आपका आया नहीं है, तो ऐसा शॉक क्यों दे दिया बच्चों को, ये मुझे नहीं आया, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जितना आगे पहुँचे उतना मेरी बात आगे पहुँचे, और आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएँ या फिर अभी के लिए कैंसिल हो जाएं, क्योंकि जल्दी क्या है, जुलाई अगस्त में हो जाएंगे एग्ज़ाम, नहीं भी होंगे तो क्या जल्दी आ रही है, ठीक है। अभी हम बहुत टाइम है हमारे पास, लाइफ इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की टेंशन नहीं होनी चाहिए, उनको टेंशन दूर करो, जल्दी से एक नोटिस निकाल दो कि एग्ज़ाम अभी मई में नहीं हो रहे, पोस्टपोन हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम नवंबर दिसंबर में भी आपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को सुनेंगे और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे अभी के लिए। सभी सब्सक्राइबर्स से, सभी वीडियो वाचर से, सभी से, सभी स्टूडेंट से जो को देख रहे हैं, ये उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि ये आगे तक पहुँच जाए और आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। इससे मेरा अपना फ़ायदा यही है कि चैनल थोड़ा सा फेमस होगा, लेकिन मेन बात ये है कि आपका सबसे बड़ा फ़ायदा कि एग्ज़ाम अभी ना हो, ठीक है। और मैं तो स्टूडेंट्स के हित की बात करता हूँ, तो मैं तो करता रहूँगा आगे भी, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए, उम्मीद है मुझे, तो मुझसे आप पूछोगे मैं साफ साफ बोलूँगा कि मुझे 90% उम्मीद है
कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे 90%। पहला लॉजिक, एनसीईआरटी की क्लास जुलाई तक चल रही है, एसओ की क्लास 25 मई तक चल रही है, तो खाली डीयू के एग्ज़ाम 19 मई से कैसे स्टार्ट हो जाएंगे? ठीक है, तो मुझसे आप पूछोगे तो 90% आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं। ठीक है, 10% चांस है कि बिल्कुल ही कोई ना सुने तो बात अलग है, एक तो मुझे तो लगता है आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे और पोस्टपोन हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोबारा लेके आता हूँ मैं नया वीडियो आपको एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, हालांकि मुझे लगता नहीं है अभी।